अस्सलाम वालेकुम। खास इंस्टीट्यूट की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। मुझे सब लोग मदर से होंगे, इम्तहान की तैयारियां कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को बताया, जब इम्तहान का सीज़न करीब आता है तो क्या हाल हो जाता है। शेर है, कल रात मेरे ख्वाब में आई एक परी, कल रात मेरे ख्वाब में आई एक परी और उसने कहा, अटेम्प्ट 23 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। ठीक है भाई, तो जब आप इम्तहान की तैयारी करने बैठे तो उसके लिए क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या क्या टेक्निक उनके इस्तेमाल करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो कुछ तो बिल्कुल सिंपल है कि आप 20 मिनट्स का जो है वो इंटरवल बनाएं। 20 मिनट्स के इंटरवल का मतलब ये है कि 20 मिनट तक जो है वो आप लगातार बैठ के पढ़ाई करो। अगर आप मुस्तकिल 2 घंटे या उससे ज्यादा का सेशन बना के पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें समझ में जो है वो कम आएगा। तो 20-20 मिनट के इंटरवल बना के पढ़ाई करो। 20 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आ जाओ, फिर 20 मिनट। इस तरह से चंक्स बना बना के जो है ना आप हर 20 मिनट का एक टारगेट सेट कर लो कि इस 20 मिनट के अंदर जो है वो मैं एक टॉपिक, 4 डेफिनेशन, 5 डेफिनेशन, कितनी चीजें जो है मैं याद कर लूंगा। जब आप 20 मिनट के इंटरवल के बाद वापस आओगे 5 मिनट का ब्रेक लेके, तो पीछे वाली चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लो और आगे चलते जाओ। ये याद करने का बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। माशाल्लाह बहुत सारे हाफिज भी बैठे हुए यहाँ पे, उनको पता है कि किस तरीके से जो है वो रिवीजन, कांस्टेंट रिवीजन के साथ देना वो याद किया जाता है। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जैसे मैथमेटिक्स है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया जो है वो ग्रुप स्टडी का भी होता है। मैंने पहले भी शायद का तस्करा किया हो कि आप जब भी इस तरह के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, मैथ्स की या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, तो कोशिश करें कि ग्रुप में स्टडी करें। ग्रुप स्टडी करने का मतलब ये होता है कि एक बंदा जो है वो एक्सपर्ट होता है, वो बाकी लोगों को एक्सप्लेन करता है कि ये काम कैसे होता है, बाकी लोगों का रिवाइज हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट बंदे को स्विच कर सकते हो या जिस बंदे की भी उस चैप्टर के ऊपर एक्सपर्टीज है आप पहले से असाइन भी कर सकते हो कि भाई तुम इस चैप्टर की तैयारी करके रखना। तो वो एक दूसरे को समझाने से वो सारी बातें भी क्लियर हो जाती हैं जो कि पहले टीचर के समझाने से क्लियर नहीं हुई होगी। ठीक है भाई, फिर एक और बहुत अहम सवाल ये आता है कि इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं, कौन सा सवाल इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा जो है यही सवाल पूछा जा रहा है मुझसे भी, तो इसका आंसर जो है वो हर पेपर के हिसाब से वैसे तो वेरी करता है, लेकिन आपको एक रूल बता देता हूँ। उस रूल की मदद से आप बहुत आसानी से जब भी आप चाहें किसी भी लेवल के ऊपर इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या टीचर या पेपर पैटर्न जो भी आप मालूम करना चाहें वो कर सकते हैं। और वो होता है आपके पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स बनाया तो बेसिकली इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको सॉल्व करके आप अंदाजा करें कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, लेकिन पास्ट पेपर में जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं उसको देख के आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है ये आगे दोबारा आ सकते हैं। और जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं उनके लिए एक और ऑप्शन जो है वो गेस्ट पेपर्स या प्रीलिम पेपर्स की शक्ल में भी होता है। मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं, अपने अपने प्रीलिम पेपर्स के अंदर जो है वो अपना एक्सपेक्टेड गेस्ट पेश करते हैं कि जी मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो पेपर में आ सकती हैं। आप उन सब लोगों से प्रीलिम पेपर जमा कर लो मुख्तलिफ स्कूल से, अपना प्रीलिम पेपर उनको दे दो, उनका फोटोकॉपी करा लो। इस तरह से आपके पास एक अच्छा चंक जमा हो जाएगा। अगर आप 5, 7, 8, 10 स्कूलों के जमा कर लेते हो तो उसमें आप देखोगे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जितना ज्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जितना कोई क्वेश्चन कम रिपीट हो रहा है वो उतना लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो आपके प्रीलिम पेपर्स होंगे उसको अगर सारे स्कूल के प्रीलिम पेपर्स आप कर लेते हो, 8-10 स्कूलों के पूरे कर लेते हो, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट के हिसाब से करने वाले हैं उनके हिसाब से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। वजह इसके कि आप सिर्फ 5 ईयर याद करो, आप प्रीलिम पेपर्स के हिसाब से भी अगर कर लो, 5 5 ईयर के पेपर याद करने की बजाय आप 8-10 प्रीलिम पेपर कर लो तो भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास, अब चूंकि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है और MCQs पूछे जाते हैं ताकि देखा जाए कि बच्चे ने कितना अच्छा इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझा है और कितना कम जो है वो रट्टा लगा के आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी सब चीज़ों की तरह हमारे MCQs के अंदर भी जो है वो यही ब्रांड आता जा रहा है कि आपने कितना अच्छा रट्टा लगाया है। आपकी बुक के अंदर जितने भी चार्ट्स दिए हुए हैं कोशिश करेंगे उनको याद कर लें, और MCQs के हवाले से जो टिप्स हैं, इसके जिस अनुमान पर ये वर्कशॉप है पेपर हैक्स के हवाले से, एग्जाम पेपर, बोर्ड पेपर हैक्स के हवाले से, तो उसमें यह कि कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी MCQs, कोई भी सवाल जो है वो अन अटेम्प्टेड नहीं जाना चाहिए।
उसमें जरूर आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अटैम्प जरूर करना है। एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं, आपके पास चार चॉइसेस हैं या तीन चॉइसेस हैं, तो आप जरूर उसको जो है वो आंसर करें। कभी भी उसको खाली ना छोड़ें, ये सबसे अहम बात है। खाली छोड़ना जो है ना वो बिल्कुल, यानी कि आपने एक नंबर कन्फर्म गवा दिया। अगर आप अटैम्प करेंगे तो आपके पास 25% चांस होगा। अच्छा, उसको अटैम्प करने का तरीका ये है भाई कि हर एमसीक्यूज के साथ जो आगे उसका ऑप्शन दिया हुआ होता है ना, आप नंबर डालते हैं और सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, और उस ऑप्शन के आगे जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ऑप्शन ए इब्न हसन, ऑप्शन बी अल बैरूनी, ऑप्शन थ्री याकूब अल किंदी, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लिखते हैं तो बेसिकली आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, ठीक है। जब आपके टीचर्स आमतौर पर पेपर चेक कर होते हैं प्रीलिम्स से पहले या प्रीलिम्स में, तो उस वक्त उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो सही ऑप्शन उनको पता होता है तो वो पेपर चेक करने में आसानी हो जाती है। लेकिन बोर्ड के अंदर चूंकि ये पैटर्न नहीं है, बोर्ड के अंदर तरीका यही है कि आपको एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है, और उन्होंने वो सीक्वेंस याद की हुई होती है। तीन या चार एबीसी के हिसाब से पेपर होते हैं, और जो टीचर पेपर चेक कर रहा होता है उसको 5 मिनट 3 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक करनी होती है, तो उसने वो सीक्वेंस याद की होती है। वो सीक्वेंस से आपके उसको मैच कर लेता है, अगर वो मैच हो जाता है तो ठीक है, और मैच नहीं होता तो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो इसके ऊपर जो है वक्त लगाए। तो पहली बात यह कि आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, दूसरा ये कि आपने उसके आगे जो डिटेल उसका आंसर दिया हुआ था वो लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में तो बार दफा इससे मसाइल भी हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में छोटी छोटी सी चीजों से डिड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, नॉट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इनसे वो जुमले जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं। फिजिक्स वगैरह के अंदर तो फिर भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलने की बजाय आपके मार्क्स कम हो जाए। अच्छा, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो आप रिडक्शन मेथड अप्लाई करें। रिडक्शन मेथड क्या होता है कि आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा अनलाइकली है, उसको आप क्रॉस कर देंगे। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन थे, 25% चांस था आपका तुक्का लगने का, अब 4 में से 3 रह गए तो 33% चांस हो गया। अगर आपने एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर दिया तो 50% चांस है कि आप सही आंसर पर निशान लगाएंगे। तो जितने ऑप्शन आप कम कर सकते हैं सोच समझ के, उतना अच्छा होगा। अकड़ बकड़ आप बाकी 2 के अंदर भी कर सकते हैं, अगर अकड़ बकड़ करके आंसर देना है तो। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन के ऊपर आके ना बंदा स्टेक हो जाता है कि इन 2 में से कौन सा है, और वो उसका सही आंसर नहीं कर पाता, उस समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए उनको आप स्लैश के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ए और सी इन दोनों में से कोई एक सही आंसर है, तो आप A/C लिख सकते हैं। ये सही तरीका नहीं है वैसे, बाय द वे ये एक हैक ही है। इसमें हैक ये है कि वो जो पेपर चेकर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये डिसाइड करे कि ए या सी में से अगर एक भी सही है तो मैं इसको आधा नंबर दूं या ना दूं या क्या करूं। वो उस सूरत में वो आपको या तो 0.5 मार्क्स देगा या फुल मार्क्स देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बगैर मार्क्स दिए वो आगे चला जाए। जो पेपर चेकर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो इसी हिसाब से होती हैं कि आप अगर सही आंसर किया हुआ है तो आप उसको नंबर दे दें। तो ये स्लैश टेक्निक जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप सारे पेपर के अंदर जाओ 17 के 17 एमसीक्यूज में जाए वो स्लैश स्लैश करके लिख दें, तो गुस्सा भी नहीं आ जाना चाहिए उसको। 1 में या 2 में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 1-2 से ज्यादा में नहीं। फिर फिजिक्स में या बाकी चीजों में आपके पास न्यूमेरिकल्स का ऑप्शन होता है। न्यूमेरिकल्स आमतौर पर 3 नंबर के आते हैं। 3 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें 3 नंबर 3 स्पेसिफिक पार्ट्स के होते हैं। पहला नंबर, जैसे कि शुरू साल से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, पहला नंबर होता है डाटा बनाने का, दूसरा नंबर होता है फार्मूला लिखने का, और तीसरा नंबर होता है करेक्ट रिजल्ट लिखने का विद यूनिट। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो एग्जामिनर की मर्जी होती है वो आपका आधा नंबर काटे या 1 नंबर काटे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो भी कम से कम उसका डाटा जरूर बना दें। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही उसको अटेम्प्ट ना करें। अगर वो सही सॉल्व नहीं होता, आंसर नहीं आता, आपको पता है कि आगे जाके मैं इसके अंदर फंस जाऊंगा, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो भी अगर न्यूमेरिकल का डाटा और फार्मूला आप लिख देते हैं, 2 नंबर आपको 3 में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूरी प्रैक्टिस ना भी हो, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसके बारे में आपको, जिसका फार्मूला आपको याद ना हो, तो भी उसका डाटा जरूर बना लेना चाहिए। डाटा को कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, बाज दफा हमारे जो दोस्त होते हैं उनके अंदर ये एक गलतफहमी फैली होती है ओवरऑल सारे पेपर्स के बारे में, कि हम कुछ भी आंसर लिख दें। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 3-4-5 मिनट का जो है वो टाइम होता है एग्जामिनर के पास एक कॉपी चेक करने का, तो हम कुछ भी लिख दें उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है ना तो वो कुछ कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। हर सवाल के जवाब में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इब्न हसन
कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने को बोला है तो वो देखेगा कि इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे होंगे वो ऑप्टिक्स से मुतालिक होंगे, इसमें कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स का वर्ड लिखा होगा, फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, इसमें कहीं ना कहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा होगा, इस तरह के अगर दो तीन लफ्ज उसको नजर आ जाते हैं तो वो मुतमिन हो जाता है कि जवाब सही लिखा है, वो कभी भी पूरा जवाब आपका नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको दो तीन कीवर्ड्स अपने मतलब के नजर आ जाए तो वो आपके आंसर को सही कर देता है। लेकिन अगर उसको उन दो तीन कीवर्ड्स की वजह पे शाहरुख खान और काजोल का नाम नजर आ जाए तो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ और ही मसला चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि कहीं का आंसर कहीं हो जाए। मैं एक दफा कॉपी चेक करी तो उसके अंदर मुझे इब्न हसन भी कायद आजम की कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिखी हुई थी और वो भी नाम के साथ। ऐसा नहीं था कि इब्न हसन का नाम ही लिख देता बंदा, अगर इब्न हसन का नाम लिख देता तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता कि यार ये इब्न हसन की डेट ऑफ बर्थ क्यों लिख रहा है और वो भी गलत। फिर उसके आगे कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने की बारी आती। लेकिन अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इब्न हसन की कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा तो बंदे को ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो फौरन ही समझ जाता है कि इसको कितना आता है। अगर आता होता तो भाई एक एक पॉइंट भी आता था तो एक पॉइंट तो लिखता, ऐसी सूरत में फिर डायरेक्ट जीरो हो जाता है। पेपर सॉल्व करते हुए कुछ और बातों का भी ख्याल करना होता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना तो जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ एक नजर मार मार के आंसर आपके जो है वो चेक कर रहा होता है, गेज कर रहा होता है आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी नॉलेज को। तो आपने ख्याल करना होता है कि उसको कोई ऐसा पॉइंट ना दें कि जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन खराब हो जाए, या ज्यादा आसान अल्फाज में कह लेते हैं कि अपनी गलती उसको वाजे करके नहीं दिखानी होती। ठीक है, गलती वाजे करने का क्या मतलब होता है कि आपने कुछ गलत लिख दिया, अब आप उसको रिमूवर से मिटा दें या उस पर वाइटो लगा दें। इन दोनों सूरतों के अंदर रिमूवर जो है वो कुछ अरसे में वापस आ जाता है और वाइटो जो है वो भी पेपर के ऊपर अलग से लगा हुआ नजर आता है, दो पेपर पीछे से नजर आने लगता है कि यहाँ पे वाइटो लगा हुआ है। ऐसी सूरत में एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गलती है और उस जगह पे फोकस जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। वहां पे वो जरा ज्यादा ध्यान से एक दो लाइनें पढ़ के गलती निकालने की कोशिश करता है, क्या गलती थी जिसको इसने छुपाने की कोशिश करी है वाइटो लगा के। तो आप कोशिश करें कि कभी भी वाइटो या रिमूवर पेपर के अंदर इस्तेमाल ना करें, और कभी आपको अगर कोई चीज गलत हो जाए, काटनी भी हो, तो उसको स्ट्राइक थ्रू करें। स्ट्राइक थ्रू देखा है कंप्यूटर में कैसे स्ट्राइक थ्रू होता है, एक लाइन लग जाती है बीच में पेंसिल से। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पेंसिल से स्ट्राइक थ्रू करें, और स्ट्राइक थ्रू में ये होता है कि जो बीच में स्पेस होता है ना उसके ऊपर वो लाइन नहीं जाती, एक वर्ड के ऊपर लाइन लगी होती है, फिर स्पेस होता है अगले वर्ड के ऊपर लाइन लगी होती है। स्ट्राइक थ्रू कभी कंप्यूटर पे आप मैक्सिमम वर्ड पे करके देखना, आपको पता चलेगा। इस तरीके से अगर आप अपना आंसर काटेंगे ना तो उस पे उसकी नजर उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक वो उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसको पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि ये कटा हुआ है, एक लफ्ज कटा हुआ है, दो लफ्ज कटे हुए हैं, पूरी लाइन कटी हुई। लेकिन अगर वो उस पर ध्यान नहीं देगा या उसका पढ़ने की तरफ उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो वो खुद ब खुद से फोकस नहीं होगा। हमारे तो माशाल्लाह से जो दोस्त जिन्होंने प्रीलिम पेपर गए उन लोगों ने कुछ साइन वाइन भी कर दिए थे पेपर पे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना होता, कभी अल्लाह रसूल के वास्ते नहीं देने होते, एग्जामिनर जो है कभी भी इस चीज़ से मुतासर नहीं होता। ये भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बाद लोगों ने हर अल्लाह रसूल इमाम और सबका जो है ना वो सबके वास्ते दे दिए कि भाई मुझे पास कर देना और ये फलाना। ये पॉसिबल नहीं होता एग्जामिनर के लिए, क्योंकि उसके पास एक कॉपी के बाहर एक शीट लगी होती है जिसमें उसको हर क्वेश्चन के नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, वो फाइनल अथॉरिटी होता है, उसके बाद उसकी कॉपी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जो भी उसने रिजल्ट लिख दिया। लेकिन इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बंदे के अंदर कि अंदर कॉपी खाली है बाहर वो पूरे नंबर दे दे या पास भी कर दे, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी इस किस्म का कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर इस किस्म का कोई काम आपने किया, कोई मार्क छोड़ा 786 बिस्मिल्लाह, या इस किस्म का कोई आपने स्टार स्टार लगा दिया किसी क्वेश्चन के साथ, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये कोई सिग्नल करना चाह रहा है, इसका कोई बंदा है बोर्ड ऑफिस के अंदर, ये उसको सिग्नल करना चाह रहा है कि ये कॉपी मेरी है और इस कॉपी के साथ जो है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसी सूरत के अंदर भी जो है वो एग्जामिनर थोड़ा नाराज हो जाता है, थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सवाल का सही जवाब पता होता है लेकिन आप मीडियम के अंदर फंस जाते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टडीज है, कितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश में दे रहे हैं, कितने लोग उर्दू में दे रहे हैं। मैंने एक साल हर दफा जब मैं पेपर देने जाता था एक साल इंग्लिश में दे रहा था, एक साल उर्दू में दे रहा था, एक साल इंग्लिश में एक साल उर्दू में, तीन चार साल मैंने मुख्तलिफ क्लासेज में पाकिस्तान स्टडीज के पेपर दिए। उसकी वजह ये होती थी कि उर्दू में पढ़ना आसान होता है, याद नहीं करना पड़ता, और इंग्लिश में नंबर अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको किसी सवाल का जवाब उर्दू में आता हो और आपने पेपर में कॉपी के अंदर जो मीडियम का खाना था उसके अंदर आपने इंग्लिश लिख भी दिया है, आपको उर्दू में उसका जवाब आता है, तो आप जरूर लिखें। क्योंकि कॉपियां जो है वो मीडियम के हिसाब से अलग अलग करके एग्जामिनर्स को नहीं दी जाती। ठीक है, जब मैंने एक दफा मुझे मौका मिला था कॉपी चेक करने का,
तो उस वक्त में इंग्लिश और उर्दू दोनों की कॉपीज मेरे पास आई थी। मैंने जिस बंदे ने मुझे कॉपी आई थी उससे रिक्वेस्ट भी करी कि मुझे सिर्फ इंग्लिश की कॉपीज दो, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। उसने कहा ऐसा होता नहीं है, ये कॉपीज मिक्स होती हैं, रोल नंबर वाइज अरेंज होती हैं और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि कोई बंदा उर्दू में अटेम्प्ट कर रहा है या इंग्लिश में, आपको दोनों की कॉपीज खुद चेक करनी पड़ेंगी। तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो बेसिकली उर्दू और इंग्लिश दोनों में उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कोई एक सवाल आता है जो आप उर्दू में उसका आंसर कर सकते हैं तो उसका आंसर जरूर कर दें। पहले तो साइंटिफिक रीजन किस्म के सवाल आते थे, अगर साइंटिफिक रीजन किस्म का नहीं भी है, अगर आपके पास लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि यार उसके अंदर क्या होता है, आप छोटे बूढ़े लफ्जों में अपना जो माफी जमीर है जो भी आप बताना चाहते हैं वो बता देंगे। अगर आपके पास जो है इस्लामियात के अंदर कोई वजू के फराइज पूछ लिए या वजू फजाइल पूछ लिए तो आप बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं, क्योंकि इतने अरसे आपने वजू किया है, आपको कुछ ना कुछ तो पता ही है ना, कुछ ना कुछ तो आप उससे रेलिवेंट लिख ही दे सकते हैं। ऐसे सवालों को आखिर में जाके जरूर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर एक सवाल हमारे पास होता है जिसके अंदर तीन ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी करके तीन पार्ट्स होते हैं। तो अभी हमारे स्टूडेंट शहबाब को ये सवाल भी कर रहे थे कि ए बी सी तीन पार्ट्स हैं, उसमें दो पार्ट्स आते हैं एक नहीं आता। तो इसका भी एक हैक ये है कि अगर आपको तीन में से दो पार्ट आते हैं एक नहीं आता तो एक पार्ट आप दूसरे वाले सवाल में कर लें, लेकिन उस पर नंबर नहीं डालिएगा कि मैं 22 का मैंने ए किया, 22 का बी किया और 24 का सी कर दिया, 23 में पहले पूरा अटेम्प्ट कर चुका था, इस तरह करने से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सवाल के साथ कर देंगे उसके जहन में ये जरूर होता है कि ये सवाल पेपर में है, लेकिन इतना जाहिर है कि उसके दिमाग में नहीं रहता कि ये कौन सा पार्ट कौन से सवाल के साथ है। जब आप आगे पीछे जम्बल अप कर देते हो या आप जम्बल अप कर दो खुद तो वो डिस्टिंक्शन नहीं कर सकेगा कि अगर एक सवाल के दो पार्ट आते हैं तो तीसरा पार्ट जो है वो दूसरे सवाल का किया जा सकता है। इंग्लिश के पेपर के अंदर भी बार दफा ऐसा होता है कि आपके पास जो है एसे का सवाल होता है सबसे बड़ा, या एप्लीकेशन के अंदर भी दो तीन चॉइसेस होती हैं, एसे के अंदर भी दो तीन चॉइसेस होती हैं, और जो एसे आपने याद किया था वो नहीं लगा तो आप क्या करें। तो सबसे आसान तरीका तो उसका ये होता है कि भाई आप एसे याद ही ना करें, कोशिश करें कि आप अपने पास से ही लिखें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो आप एसे की हेडिंग डालें, सवाल नंबर डालेंगे ये सवाल क्वेश्चन नंबर वन एसे के बारे में था, उसके ऊपर एसे की हेडिंग डालें और ये ना लिखें कि आप कौन सा एसे लिख रहे हैं, जो तीन ऑप्शन दिए हुए थे उसको ये गैस करने में इतना टाइम लगेगा कि ये कौन सा एसे इसने लिखा है और तीन में से ये कौन से ज़्यादा रेलिवेंट हो रहा है, इतना टाइम उसके पास नहीं होता, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्टली मैंशन नहीं किया, आपने ये मैंशन किया क्वेश्चन नंबर वन है उसमें तीन ऑप्शन दिए हुए थे, तीन में से कि माई बेस्ट फ्रेंड या एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी या डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी और क्रिकेट मैच, तीन आपके पास ऑप्शंस थे, उन तीन में से आप कोई और ही लिख रहे हो तो भी अगर आप उसका नाम मेंशन नहीं करो और उसको नीचे लिख दो तो वो इंशाल्लाह वहां पे काम कर जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल आपको करना चाहें इस बारे में, पेपर्स के बारे में, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह आपके पेपर्स के दौरान भी, पेपर्स के बाद भी।